हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिव एलवी पर। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करेंगे सिविल केस यानी दीवानी वाद होता क्या है, उसको कोर्ट में फाइल करने का और प्रैक्टिकली प्रोसेस क्या है, आज हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इससे पहले हम अपनी वीडियो शुरू करें आपको बता दें, यदि आप लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कानून के बारे में जो जो नई जानकारी आती है आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों सिविल केस दीवानी वाद वह केस होता है जब भी दोनों दो पार्टीज के बीच में कोई मतभेद होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी के बारे में हो या मोनिट्री मतभेद हो, तो उसको जिस केस में डाला जाता है वो जो सीपीसी के अंदर जिसको दायर किया जाता है उसको हम आसान भाषा में सिविल केस बोलते हैं। इसमें यदि जो वाद है यो जो केस है वो कमर्शियल नेचर का नहीं है या मॉनेटरी प्रॉपर्टी नेचर का है तो सीपीसी के अंदर दायर होता है और जिसको आप अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करते हो। तो दोस्तों सिविल केस में सबसे पहले क्या होता है, उसको बोलते हैं फाइलिंग ऑफ केस, केस वाद का कोर्ट में दाखिल करना। दोस्तों सबसे पहले हम जब किसी भी केस के बारे में हमारा डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी का या मॉनेटरी डिस्प्यूट है, उसको सिविल केस के अंदर सिविल कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं। तो उसके अंदर हम अपना सारा पार्टीज का नाम, जो केस डालता है उसको प्लेंटिफ और जिस जिसके साथ झगड़ा होता है उसको अपोजिट पार्टी बोलते हैं या उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। दोस्तों केस के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा लिख के उसको केस के अंदर फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर। उसके बाद उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिससे हमारा मुकदमा बनता है और जिससे हम अपना मुकदमा बताते हैं या जिसको जो हमारी को समस्या होती है उन सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को उसके साथ फाइल करना होता है। उसके बाद इंटरिम एप्लीकेशन, चाहे वो सटीक एप्लीकेशन होती है या कई बार वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए होती है, उन सभी इंटरिम एप्लीकेशन को भी अपनी मेन केस के साथ कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं। दोस्तों केस फाइल होने के बाद जो दूसरा स्टेज आती है उसको बोलते हैं नोटिस टू डिफेंडेंट। जब हम कोर्ट के अंदर सिविल कोर्ट के अंदर केस फाइल कर देते हैं उसके बाद कोर्ट डिफेंडेंट को नोटिस जारी करती है। दोस्तों नोटिस करने का तरीका अलग अलग होता है। सबसे पहले हम अपने दावे की कॉपी कोर्ट के अंदर फाइल कर देते हैं और कोर्ट अपने आप उसको अपने से नोटिस को डिफेंडेंट के पास, अपोजिट पार्टी के पास भेज देती है और उसको नोटिस का तामील होना बोलते हैं। कई बार दोस्तों जब अपोजिट पार्टी इशू समन समन को नहीं लेती है तो कोर्ट कई बार दस्ती समन भी कर देती है, जिसको डिफेंडेंट प्लेंटिव जो होता है वो अपने साथ में कोर्ट के प्रोसेस सर्वर को ले जाता है और वहाँ पे समन को तामील करा देता है। दोस्तों तीसरे केस में कोर्ट रजिस्टर्ड डाक से आपका समन भेज देती है। ये प्राय तभी किया जाता है जब जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहते हैं। इसमें आपको कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए फीस जमा करानी होती है। दोस्तों इन सब के बाद डिफेंडेंट को जब नोटिस हो जाता है तो या तो वो नोटिस को ले लेते हैं या लेने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों जब भी कोर्ट को लगता है कि जो नोटिस है वो डिफेंडेंट के ऊपर ड्यूली सर्व हो गए हैं, अर्थात उन्होंने किसी 18+ से व्यक्ति ने उनको रिसीव कर लिया है और वो यदि कोर्ट में आ जाते हैं तो उनको जवाब दाखिल करने का मौका मिलता है, और यदि वो कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं होते हैं तो वो एक्स पार्टी हो जाते हैं। दोस्तों यदि वो कोर्ट के अंदर आ जाते हैं तो उनको जवाब दवा फाइल करने का मौका मिलता है, जिसका समय 30 दिन होता है, जो समय के अनुसार या घटना के क्रम के अनुसार 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। यदि 90 दिन के बाद भी डिफेंडेंट WS फाइल नहीं करते हैं जवाब दावा अपना, तो कोर्ट उनका डिफेंस स्ट्रोक भी कर सकती है या उनके ऊपर जुर्माना लगा सकती है। इसके बाद दोस्तों यदि डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर अपियर नहीं होते हैं तो वो एक्स पार्टी हो जाते हैं और आपका मैटर उसके बाद इशू फ्रेम हो जाते हैं। इशू फ्रेम के अंदर जिन तथ्यों पर आपका केस होता है कोर्ट उनको फ्रेम करती है और उसके बाद उसका पूरा केस आपका उसी फ्रेम के इशू पर जो फ्रेम होते हैं उनके ऊपर चलता है। उसके बाद यदि डिफेंडेंट एक्स पार्टी होते हैं तो आपका केस एक्स पार्टी एविडेंस के लिए लग जाता है और उसमें आपको आपके एफिडेविट टेंडर कराने होते हैं और जिसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, और उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका ये रिबटल में चला जाता है, और रिबटल में यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको कोर्ट के अंदर टेंडर कर देते हैं उसके बाद आपका आर्ग्यूमेंट में, और उसके बाद कोर्ट अपना आदेश दे देती है। लेकिन दोस्तों यदि डिफेंडेंट पेश हो जाते हैं तो अपना WS फाइल करते हैं, उसके बाद कोर्ट इशू फ्रेम करती है जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा होता है,
और उन्हीं इश्यूज के ऊपर प्लेंटिव को अपनी गवाही करानी होती है, वो अपने स्पोर्टिंग जो उसके साथ उनके गवाह होते हैं उनका एफिडेविट एंटर करता है, और जो डिफेंस होते हैं उनका काउंसिल उनको क्रॉस एग्जामिन करने का उनका पूरा मौका मिलता है। क्रॉस एग्जामिन करने के बाद यदि आपको रिकॉर्ड का कोई गवाह या कोई सरकारी गवाह कराना होता है तो आपको उसी कोर्ट के अंदर गवाह को समन करने की एप्लीकेशन लगानी होती है, जिस पर ऑनरेबल कोर्ट उनका खर्चा फिक्स कर देती है, और खर्चा भरने के बाद आप रिकॉर्ड समन या जो रिकॉर्ड के गवाह होते हैं उनको करा सकते हो। उसके बाद कि आपका केस प्लेंटिव की गवाही खत्म हो जाती है, वो बंद हो जाती है, उसके बाद डिफेंस की गवाही शुरू होती है और उनको भी उसी प्रकार मौका मिलता है जिस प्रकार प्लेंटिव को मौका मिलता है। उसके बाद डिफेंस में जो गवाह आते हैं उनको प्लेंटिव को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलता है। उसके बाद केस रिबटल में चला जाता है, और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यदि प्लेंटिव को डिफेंडेंट देना चाहते हैं तो कोर्ट के अंदर टेंडर करा सकते हैं। उसके बाद आपका केस आर्गूमेंट पे चला जाता है, दोनों पक्ष जो इशू फ्रेम होते हैं उनके ऊपर अपने अपने आर्गूमेंट करते हैं, और उनके आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट इशू वाइज अपना डिसीजन देती है, और कोर्ट को जो सूटेबल लगता है, जो कोर्ट इशू फ्रेम करती है उसके ऊपर जो एविडेंस आती है उसके ऊपर अपना कोर्ट फैसला देती है, और वो जजमेंट या डिग्री बोलती है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि सिविल केस या दीवानी विवाद होता क्या है, उसको प्रैक्टिकली कोर्ट के अंदर कैसे फाइल करते हैं, और उसकी डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या है। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।